खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। फर्जी डॉक्टर बनकर घर में घुसे शातिर ने लूटे वृद्धा के जेवर, मुल्तान नगर में सामने आई घटना। कतर के होटल मैनेजर की किथूर में सड़क हादसे में गई जान, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। शराबी चाचा द्वारा भतीजे से मारपीट के बाद भिड़े दो गुट, ग्राम मुरेडा का बास में तीन हुए घायल। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को किया याद, पुण्यतिथि पर सुभाष चौक कांग्रेस कार्यालय में हुई विचार गोष्ठी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर के मुल्तान नगर में एक फर्जी डॉक्टर ने वृद्धा को नशीला पदार्थ सुंघाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला लाजवंती की रिपोर्ट अब दर्ज हुई है, हालांकि मामला 15 दिसंबर का है। वृद्धा ने बताया कि एक व्यक्ति उनके घर पहुंचा और किराए के लिए रूम के बारे में पूछताछ की। इसी दौरान उसने खुद को SMS हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हुए कहा कि वह पैर का इलाज करता है। इसके बाद डॉक्टर ने महिला को दो बार हाथ लगाया और वृद्धा वहीं पर अचेत हो गई। परिजन जब घर पहुंचे तो अचेत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन बाद होश आने पर वृद्धा ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। उसने जानकारी दी कि फर्जी डॉक्टर महिला के कान से दो सोने के कुंडल निकालकर फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि उसी दिन वैशाली नगर थाने पर इसकी शिकायत दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने 20 दिन तक मामला दर्ज नहीं किया। ये खाना खा के यहाँ बैठी थी, आया के कमरा देगा किराए पे, फिर कमरे की तो बात उसने करी नहीं। कह रहा मैं गोडाउन का इनका इलाज करता हूँ, तो करता हूँ मैं, SMS में हूँ। बस उसने क्या काम करा, मैं यहाँ बैठी थी, ऐसे करा दो बार, ऐसे कर, फिर मेरे को होश नहीं है। तो अपने आपको डॉक्टर बता रहा हूँ? हाँ हाँ जी, डॉक्टर बता रहा था, फिर ऐसे करा ना, तो फिर मेरे को होश नहीं, मेरे को तो दो दिन से होश ही नहीं रहा, फिर ऐसे जाने का ही दे दिया। अपना नाम बताया उसने कुछ ऐसे ही? नाम कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ये घटना कब की है? 15 तारीख 15 दिसंबर की। हाँ अच्छा, तो रिपोर्ट आपने कल दर्ज कराई है? रिपोर्ट तो वही दिन करवा दी थी। क्या क्या ले गया आपसे? ये कुंडल खोल के ले गया। और सदर थाना अंतर्गत ग्राम किथूर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से होटल मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किथूर का बास निवासी 30 वर्षीय वतन चौधरी कतर देश में होटल मैनेजर था। इन दिनों वह गांव आया हुआ था। बुधवार शाम वह बाइक से अलवर आ रहा था, इसी दौरान तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक वतन सिंह का 2 वर्ष पहले ही विवाह हुआ था, जबकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वहीं सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वतन है, भाई है छोटा मेरा, किथूर के रहने वाले। कल ला रहे थे गांव से, रास्ते में इस तरीके का हो गया हादसा, हिट एंड रन का केस। वो फरार हो गया? हाँ, वो अज्ञात वाहन था तो नहीं आया समझ में। हम लोग फिर यहाँ लेके आए थे इमीडिएट, बाकी बात तो क्या काम करते थे? एक्चुअली अब्रॉड थे। बगड़ तिराहा क्षेत्र के ग्राम मुरेडा का बास में आपसी विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि एक बालक अपने घर के पास अलाव ताप रहा था, इसी दौरान शराब के नशे में धुत बालक के चाचा ने उसके साथ मारपीट की। विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों में पथराव हो गया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। उधर पीड़ित महिला सरिता ने बताया कि इस घटना में उन्होंने राजीनामा कर लिया था, लेकिन इसी रंजिश को लेकर बुधवार शाम दूसरे गुट ने फिर से मारपीट की। लाठी डंडे और फरसी लेकर घर में घुसे इन लोगों ने सरिता के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इस घटना में हर भगवान प्रिंस और सरिता घायल हो गए, इनका जिला अस्पताल में इलाज करवाया गया है। वही पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मेरा बच्चा 3 तारीख को रोड पे
थोड़ा सा फूस उठाने के लिए ला रहे थे, तापने के लिए। तो तापने के लिए ला रहे थे, हमारा एक मुकेश है जेठ कलर का, तो उसने इस पर जाते ही इसके लात दी, लात दी इसने। वो ये बोला मुझे क्यों मार रहा है तू, बिगर बात, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा, ये यानी ऐसे ही मारूंगा, पता क्या करेगा मेरा, गाली गलूच काटने लग गए इसको। फिर ये कह रहा तुम मुझसे लड़ाई मत, मम्मी पापा ना है, फिर क्या तेरे मम्मी पापा क्या करेंगे, तो अभी ठोको जब भी मारो बीच रोड पे। फिर मेरी सास गई बचाने, मेरे दिया बड़ो लड़को गए बचाने, फिर वो भी मारा है। फिर उनने मेरे पर फोन करो, मैंने बेटा मैं शाम को आप समझ लूंगी। फिर मैंने उनका बड़ा वाला राकेश नाम का लड़को का फोन करो, अब तेने तुम घर का समझा लो, मेरा बच्चा अकेला, उनने मार पीट रहा। फिर उन्हें सारा घर कान जाकर नहीं, फिर शाम को पत्थर घर में घुस के पत्थर मेरी सासू के ऊपर, दोनों बच्चान के ऊपर पत्थर फेंका और पत्थर मारा पीटी करिए। फिर मेरे बच्चान की केस ना खाई, जब इन 100 नंबर पे फोन करो। फिर 100 नंबर पे फोन करने के बाद पुलिस चली गई, फिर उन 3 जना ने ले आई पकड़ के, 3 जना पकड़ लिया। राकेश मुकेश और विजय। फिर गाँव वालों के दबाव के लिए घर की बात है कोई नहीं, जब मैंने राजीनामा कर लिया। फिर राजीनामा करने के बाद में फिर उन्हें कल रात उन्होंने क्या किया, घर आ घुस के पहले तो गाली गलूच काटा, मैंने कही गाली गलूच क्यों काट रहे हो। फिर उन्होंने दोनों चेतराम ने और राजेश ने, मेरा चेतराम ने राजेश ने मेरा बाल पकड़ा और चूल्हा पे सो खींच के नहीं घेर गेर, और मुकेश और वो पिंटू और राकेश और ये विजय, इन्हें मेरी मेरे बदन पे इधर इधर सुखाई हूँ मैं, अब मतलब मेरे साथ बहुत गलत काम किया, लत्ता कपड़ा फाड़ दिया मेरा, मेरी जान कपड़ा लत्ता फाड़ गया बिल्कुल। वो होगी मैं जब मैं भीतर चली गई, मेरे पति आ बचना के लिए, मेरे पति आ जब पति मारो फर्सी लाठी पति मारो, जब पति गला में रस घेर कर लेगा, मेरे बच्चो आयो बच्चा का हाथ तोड़ ले, मेरे पति मेरे लेकर रस्ता गलम गोट के रस और वो लेकर मारे गए खत्म कर, जब लट्ठा गा के पटक दिया, फिर पति के मारने के बाद बेहोश हो गई मेरे बच्चों। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर गुरुवार को सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में गोष्ठी हुई, साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाते हुए देश को विजय दिलाई। देश में हरित क्रांति की शुरुआत भी उनके द्वारा की गई। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि ऐसी महान शख्सियत को कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत को विजय श्री दिलाई और पाकिस्तान को उसे मुखी खानी पड़ी, और 1966 में 11 जनवरी के दिन आज ही के दिन ताशकंद समझौता के लिए वो गए थे और वहां पर उनका देहांत हो गया, उसका कारण आज तक पता नहीं लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के जवान और किसान दोनों को सबसे आगे लाना चाहा और देश के अंतिम व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहा, अंत्योदय करना चाहा। जो व्यक्ति पिछली पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है वो भी अग्रिम पंक्ति में आए और देश का हर व्यक्ति भाई चारे से रहे और एक साथ सब लोग साथ साथ रहे। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता साथी कांग्रेस कार्यालय पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी वो रहे उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे और सभी कांग्रेस जनों को उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुलिस ने गांजा ले जाने के मामले में 2 फरार लोगों को गिरफ्तार किया है। वैशाली नगर थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद बख्तल की चौकी से करीब 200 मीटर पहले एक बस को रुकवाया गया था। बस की चेकिंग के दौरान टूल बॉक्स में रखे 2 कट्टों में नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ था। जानकारी में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कई आरोपियों को पूर्व में पकड़ लिया था। वहीं अब फरार चल रहे गुरविंदर और जगदेव को मुल्तान नगर से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों से कुल 13 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। ये मुकदमा नंबर 68/2023 थाना वैशाली नगर का मुकदमा था।
जिसमें दो मुलजिम वांछित फरार चल रहे थे, जिनको कल गिरफ्तार किया गया। गुरविंदर व जगदेव मुल्तान नगर के, उन्हें गिरफ्तार किया गया। किस मामले में? यह NDPS एक्ट का मुकदमा था, 68 नंबर 2023 का। आज न्यायालय पेश किए जाएंगे। अलवर शहर में वाहन चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवयानी अस्पताल के पास बाइक चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले राम सिंह सोलंकी ने बताया कि उनका भतीजा देवयानी हॉस्पिटल के पास जिम करने गया हुआ था। जब वह बाहर आया तो उनकी स्प्लेंडर प्लस बाइक नदारद मिली। अस्पताल के CCTV कैमरे चेक करने पर पता लगा कि दो अज्ञात चोर यहां बिना नंबरों की बाइक पर आए थे। इसके बाद वह यहां खड़ी मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर फरार हो गए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अरे परसों रात को 8 बजे मेरा ये भतीजा यहाँ पर जिम में गया था। ये देवयानी हॉस्पिटल के बगल में एक राम जी टावर, वहाँ पर खड़ी करी थी। तो करीबन रात को 7:45 से कि ये कोई काम से गया था अपने भैया के साथ। तो वहाँ से वो चोर आया और उसको गाड़ी को लेकर के चला गया। कितने जने थे वो? क्या वो दो जने थे, जो में से वो दूसरी बाइक पर भी ये है ना बिना नंबर की गाड़ी पर आए थे पन्नी पे, वो भी शायद चोरी की थी। और फिर उस पर से वो ये उतर गए और ये हमारी भी बाइक लेकर के लोग तोड़ करके और ले गए। CCTV में कैद हो गए। हाँ बिल्कुल, CCTV में स्प्लेंडर प्लस। थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम नांगलवानी निवासी एक वृद्ध ने दवा समझकर गेहूं में रखे पारे को खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वृद्ध की जान चली गई। जानकारी के अनुसार 76 वर्षीय बुजुर्ग सोहन नाथ लंबे समय से लकवे से पीड़ित था और पेट में शिकायत होने के कारण भी आए दिन गोली का सेवन करता था। बुधवार दोपहर उसने पेट दर्द की गोली समझकर गेहूं में रखे पारे को खा लिया। थानागाजी अस्पताल से बुजुर्ग को अलवर रेफर किया गया, जहाँ देर रात उसने दम तोड़ दिया। क्या नाम है इनका? कहाँ के रहने वाले? कहाँ पड़ता है? थानागाजी स्वागत। कब की बात है ये? कल की। फिर कब भर्ती कराया अस्पताल? कल ही दिया। कितने बजे? फिर कितने बजे एक्सपायर हुए? 12:30। कोई और परेशानी थी क्या शरीर में? लकवा की थी। लकवे की थी? उसकी दवाई चल रही थी? दवाई कुछ चला लिया था, फिर वो मचा ही नहीं। जब तो पेट वोट में दर्द हो जाए तो चूरण उड़न की गोली लेते थे। पेट की उसकी वजह से चूरण की गोली लेते थे। फिर क्या खा लिया? उसके साथ हम वो गोली खा गेहूँ में लगने वाली। अच्छा, फिर उल्टी हुई क्या हुआ? हाँ उल्टी हुई। फिर यहाँ लेकर आए? फिर थानागाजी गए। थानागाजी से रेफर कराए? क्या काम करते थे? अब तो क्या भी नहीं, वो तो खाट में पड़े थे, किसान थे पहले। हाँ सर्दी के चलते लोग अलाव का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे झुलसने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसी क्रम में गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिरावड़ा में परिवार के साथ अलाव ताप रहा 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चिरावड़ा गांव निवासी शकरुल्लाह का 10 वर्षीय पुत्र फैजान अपने परिवार के साथ घर के बाहर अलाव ताप रहा था, तभी उसके कपड़ों में आग लग गई। क्या नाम बच्चे का? फैजान। क्या हुआ था? जड़ो पूर में। कैसे? बैठे पूर में, पूर पे जैसे ताप रहे हम, नुगनी कहा नाम है झड़ा गया कि आँच की नुगनी कपड़ों में लग गई। हम मुझे पता ही नहीं चली, एक मैं ये मेरे बच्चा और मेरी ननद की लड़की इतनी बड़ी उसके भी लगी, मैं तो उसे बुझाने लगी, उसके तो बोधी सी जड़ी, ये मुझे पता ही नहीं चली, ये भोर में रोड़ के जड़ के। वो किस क्या लगती है इसकी? वो क्या लगती है जो और जली है? जो वो तो इतनी सी जड़ इतनी सी गोडा में से, मेरी ननद की लड़की वे तो। अच्छा, वो सही बिल्कुल। सभी एक ही जगह ताप रहे थे? हाँ सब हम एक जगह है। सदर थाना पुलिस ने गाय के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ASI विजय सिंह ने बताया कि परिवादी ईश्वर सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि एक युवक ने उसकी गाय के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बड़ौदा में क्षेत्र के राहुल कुमार को पकड़ लिया है। वहीं अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। 10/1/2024 दिनांक ईश्वर यादव है, कटोरी वाला तिवारा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक FIR दी थी कि मेरी गाय के साथ इस लड़का ने गंदा काम किया, तो इस पर मैंने तफ्तीश शुरू की।
उसी समय मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम राहुल है, जो बड़ौदा माव बड़ौदा मेव थाना इलाके में कदमन का वास है, वहाँ का रहने वाला है। इसको आज गिरफ्तार करके अनुसंधान पेश किया है। जिला अभिभाषक संघ की ओर से गुरुवार को कोर्ट परिसर स्थित पुस्तकालय भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर के सह संयोजक एडवोकेट नरेश कुमार सैनी ने बताया कि जीवन धारा ब्लड बैंक के सहयोग से यह शिविर लगाया जा रहा है। इसका जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं रक्तदान करने वाले सभी लोगों को हेलमेट एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। 11 जनवरी 2024 को न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संघ के तत्वाधान में जीवन धारा ब्लड बैंक के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज प्रातः सुबह जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रत्येक रक्तदाता को एक हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें हमारा 100 से अधिक रक्तदान का लक्ष्य है। ये सर जो आज रक्त की समय समय पर लोगों को आवश्यकता होती है, उन लोगों के लिए ये रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और अभिभाषक संघ के भी कुछ हमारे साथी जो हैं, जिन्होंने जो कि असामयिक रूप से जिनका देहांत हो गया और जो किसी भी कारणवश आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी याद में भी आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। रोवर रेंजर स्काउट गाइड के इस कैंप में ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रतियोगिता भी हुई। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि जिले में 250 इको क्लब का संचालन भी विद्यालयों में किया जा रहा है। इसी के तहत ऊर्जा संरक्षण पर जन चेतना रैली, निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता सहित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक बनाया जा रहा है। वहीं मुख्य अतिथि प्राचार्य राजेश मुखीजा रहे। स्काउट गाइड नजर बगीचे अलवर पर 9 जनवरी से राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड अनुशंसा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसका आज समापन कार्यक्रम है। साथ ही साथ हमारे जिले में 250 इको क्लबों का संचालन विद्यालयों में किया जा रहा है, 3 महाविद्यालयों में इको क्लब का संचालन किया जा रहा है और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इन इको क्लब में पर्यावरण संबंधी जन चेतना हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम ऊर्जा संरक्षण के ऊपर बच्चों को निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, जन चेतना रैली, वार्ता और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको अवेयर कर रहे हैं कि हम ऊर्जा का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोज को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शमुदयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे, ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जी प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जी प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले।
की मीठी मेवा गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 01442332624, 01442332625। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी महाविद्यालयों में खेल सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गौरी देवी कॉलेज में गुरुवार को अनेक स्पर्धाएं हुई। बैडमिंटन, गोला फेंक, भाला फेंक और रस्सा कशी में छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। खेल प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। राज्य सरकार के आदेश अनुसार महाविद्यालयों में खेल सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें समस्त कक्षाओं के समस्त नहीं तो अधिकतम छात्रों को इस खेल सप्ताह में अब भागीदारी अपनी निभानी है। विभिन्न खेलों का आयोजन कराया जा रहा है जिसके तहत छात्र अपने अपने रुचिकर खेलों में अधिकतम 3 खेलों में भाग लेंगे। जिन भी जो भी बच्चे इसमें विजेता होंगे उनके नाम आगे निदेशालय को अग्रेषित किए। जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है और बास्केटबॉल। शहर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 13 जनवरी को पौष बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को सुबह 9 बजे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अभिषेक होगा, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन होगा, साथ ही भगवान को गर्म खाद्य पदार्थों और पौष बड़े का भोग लगाया जाएगा। मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। प्रातःकाल 9 बजे भगवान श्री नारायण का अभिषेक होगा, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ होंगे और भगवान को पौष के उत्सव में गर्म वस्तुओं का भोग लगा कर भोग लगाया जाएगा, भगवान का श्रृंगार होगा। 2 बजे से भगवान के सत्संग और भक्ति और श्रद्धा की गंगा का श्रद्धा का आयोजन होगा। शाम को 5 बजे भगवान की आरती और प्रसाद वितरण होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि इस पौष बड़ा महोत्सव में मंदिर में पधारकर इस महोत्सव का आनंद प्राप्त करें। प्रातःकाल भगवान का तुलसी अर्चना भी की जाएगी, इसलिए 13 तारीख शनिवार को पौष बड़ा का उत्सव मंदिर लक्ष्मीनारायण के प्रांगण में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मानव सेवा में अग्रणी अशोका फाउंडेशन की ओर से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन किया जाएगा। इसमें कवि सुरेंद्र शर्मा सहित देश के प्रसिद्ध कवि कविता पाठ करेंगे। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया धीरज जैन ने बताया कि विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन शाम 6 बजे से महावर ऑडिटोरियम में होगा। इसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, प्रेरक कवि डॉक्टर धीरज जैन, चिराग जैन, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, मनीषा शुक्ला, पीके आजाद और डॉक्टर भगवान मकरंद कविता पाठ करेंगे। 12 जनवरी को अलवर में महावर हॉल के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन में पहुंच रहा हूं, जो कि अशोका फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपको आना ही है और अपनी लुगाई के साथ आना है, अकेले मत आना वरना समाज क्या कहेगा आपको। तो याद रखिए 12 जनवरी अलवर महावर हॉल शाम 6 बजे। अशोका फाउंडेशन की ओर से दिनांक 12 जनवरी को सायंकाल 6 बजे 6:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में एक बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नहीं बल्कि दुनिया के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी इसमें हाजिर हो रहे हैं, अपनी हास्य व्यंग्य की कविताएं लेकर के। आप सब लोग जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए लालायित रहते हैं। प्रिया चिराग जैन इस मंच का खूबसूरत संचालन करेंगे, भाई पी के आज़ाद, भगवान मकरंद और मनीषा शुक्ला की बहुत शानदार गीत गज़लें आपको सुनने को मिलेंगी, भाई धीरज जैन जी की कविताएं जो अध्यात्म से भी जुड़ी आपको सुनने को मिलेंगी। अशोका फाउंडेशन हमारे विकलांगों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए अनेक तरह के कार्य करता रहता है,
पहली बार उन्होंने कवि सम्मेलन का बीड़ा उठाया है और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं धीरज भैया, उनके माध्यम से मैं सारा आयोजन जुटा रहे हैं। तो आप ज़रूर आइएगा इस कवि सम्मेलन में, हम सब लोग एक अलग तरह के कवि सम्मेलन का मुझे समन्वयक के नाते इसकी जिम्मेदारी दी गई है धीरज भैया की तरफ से कि विनीत भैया लोगों का बेहतरीन आयोजन होना चाहिए। तो हम सब इसमें जुटे हैं, हमारे मीडिया के बंधु इसमें जुटे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के। तो आप सब आइएगा 6:30 बजे महावर ऑडिटोरियम 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। यादव समाज द्वारा 13 जनवरी को सुबह 11 बजे जेल के समीप राव तुलाराम सर्कल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला अहिर महासभा के जिलाध्यक्ष गुरदयाल सिंह यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल में यादव समाज के विधायकों को शामिल नहीं किया है, जबकि पूरे राजस्थान में 11 लाख के आसपास मतदाता हैं। इसके बावजूद भाजपा का समर्थन करने वाले यादव समाज को सम्मान नहीं मिला है। उधर यादव समाज के वरिष्ठ नेता फतेह सिंह यादव ने बताया कि धरने के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो यादव समाज लोकसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेगा। उन्होंने श्री कृष्ण विकास बोर्ड सहित अन्य राजनीतिक नियुक्तियों में भी यादव समाज की उपेक्षा की बात कही। साथ ही आरोप लगाया कि समाज के अधिकारियों को भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। 13 जनवरी को राव तुलाराम सर्कल पर समाज का एक ऐतिहासिक धरना होने जा रहा है अपनी हिस्सेदारी के लिए। जैसे बीजेपी ने हमारी हिस्सेदारी को डकार रहे हैं, हिस्सा नहीं दे रहे, सभी समाजों को हिस्सा दिया और हमें उपेक्षित रखा, इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण धरना, ऐतिहासिक धरना 13 जनवरी को दिया जा रहा है। यादव समाज का एक ऐतिहासिक धरना होने जा रहा है। इस धरने में हमारी जो समाज की उपेक्षा की गई है, जो हमारे हक हकूक मारे गए हैं और जिस तरह से राजस्थान में हम 11 लाख मतदाता हैं, 5 लोकसभा को हम प्रभावित करते हैं, 15-20 विधानसभा में हम हार जीत का फैसला करते हैं और 1962 से और 2023 तक इस सरकारों में हमारी भागीदारी रही है। समाज की उपेक्षा और जिस तरह से एकतरफा फैसला पूर्वी राजस्थान में हार्डकोर चुनाव बनाकर बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने रखकर जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी ने हमें ठगा, हम ठगाई में आने वाले लोग नहीं हैं। दादा दादी फाउंडेशन द्वारा रघुमार्ग पर भंडारे का आयोजन किया गया। मंत्री संजय शर्मा के निवास के बाहर हुए भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। फाउंडेशन के संस्थापक ने बताया कि अमावस्या के दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर अमावस्या को होने वाले भंडारे में अपना समय निकाल करके तन मन धन से सहयोग करते हैं और ये इस बार 31वां भंडारा हो रहा है। अलवर की आम जनता के सहयोग से चल रहा है ये। इसमें इस बार पूरी, सब्जी और जलेबी हैं, जो कि 5 क्विंटल आटे की पूरी हैं, 3 क्विंटल आलू की सब्जी है और 130 kg मैदा की जलेबी है, जो सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, लगभग 6 बजे तक ये निरंतर चलेगा। इनर व्हील क्लब की स्थापना को 10 जनवरी को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में अलवर शाखा ने शताब्दी दिवस मनाया। कन्याकुमारी से कश्मीर और गुवाहाटी से चौपाटी तक विविधता में एकता को दर्शाते हुए अनेक प्रस्तुतियां दी गई। अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि इस मौके पर हेरिटेज वॉक के जरिए धरोहरों को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया गया। वहीं PDC पुष्पा गुप्ता ने क्लब के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अलका गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान सचिव शारदा कटारिया और कोषाध्यक्ष अंजना साय ने आभार ज्ञापित किया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में जमालपुर पंचायत मुख्यालय पर पोस्ट ऑफिस के सानिध्य में शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान आधार कार्ड में त्रुटि संशोधन, डाक विभाग की ओर से खोले जाने वाले खाते, केंद्र की सुकन्या योजना आदि के कार्य हुए। सरपंच कुशमा ने बताया कि पंचायत मुख्यालय पर पोस्ट ऑफिस के सहयोग से लगे शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। यहाँ 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड भी निःशुल्क बनाए गए। अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली हरसौली के श्री संत दास जी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने यहाँ प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की, साथ ही क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। जूली ने बताया कि विधायक कोटे से शेष बचे सभी कार्यों को संपन्न कराया जाएगा। राजकीय महिला महाविद्यालय मालाखेड़ा में खेल सप्ताह के दौरान अनेक स्पर्धाएं हुई।
प्राचार्य रवि कुमार विजय ने बताया कि चम्मच दौड़ में कविता विजेता और ललतेश बाई उप विजेता रही। साथ ही एक टांग दौड़ में पूनम स्वामी विजेता एवं मनीषा बाई बैरवा उप विजेता रही। इसके अलावा रस्साकशी में जोर आजमाइश की गई। खेल प्रभारी सत्यदेव सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। ढकपुरी उप स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को एक टीम ने टीकाकरण सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान हल्दीना पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शिप्रा जीतरवाल और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर जितेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं एवं 5 वर्ष तक के बच्चों को लगाए जाने वाले टीकों के लक्ष्य की जानकारी भी ली। साथ ही हर गुरुवार को किए जाने वाले टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत उमरैन और साहोड़ी में गुरुवार को भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया गया। इसमें 17 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसी दौरान एलईडी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक बनाया गया। कैंप में आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने अनेक लोग पहुंचे। वहीं पीएम किसान निधि योजना के लाभार्थियों सहित उज्ज्वला योजना के तहत केवाईसी की गई। इस मौके पर भाजपा नेता, सरपंच, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं और विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जनहित की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंपों पर तुरंत ही उसका निस्तारण भी हो रहा है और कैंप में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कैंप का अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो ये कैंप मोदी जी की जो योजनाएं हैं 17 योजनाओं के लिए कैंप लगे हुए हैं। विकसित भारत जो हमारे देश को 2047 तक विकसित बनाना है उसके लिए जो मोदी जी का विजन है उसके तहत ये विकसित भारत जो कैंप रखे गए हैं, यात्रा जो चल रही है इसमें हमारे देश की जितनी भी योजनाएं जो हम भारत सरकार ने चला रखी है उन्हें जनता तक पहुँचाने के लिए, उन्हें लाभान्वित करवाने के लिए ये कैंप रखा गया है और लोगों से निजी तरीके से कैसे मिल सकते हैं और कैसे उनसे तुरंत प्रभाव से कार्य करवाया जा सकता है इसके लिए हमने आज ये सरकार की तरफ से जो योजना है उसके तहत ये यात्रा का कैंप रखा है। खबरें अभी और भी है लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उमरैन पंचायत समिति मुख्यालय पर माह के दूसरे गुरुवार को जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलवर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में यहां सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने बताया कि यहां पेंडिंग समस्याओं का निस्तारण भी किया जा रहा है। आज अलवर ब्लॉक की जनसुनवाई, ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई हो गई जिसमें
पहले के जो संपर्क पोर्टल पे हमारी पेंडेंसी है इसमें 6 महीने से ज़्यादा कोई भी पेंडेंसी नहीं है, सभी प्रकरण निस्तारित किए गए। आज यहाँ पे 5 परिवाद हमें प्राप्त हुए जिसमें से पेंशन सत्यापन के 3 परिवाद थे, राशन कार्ड अपडेट का 1 परिवाद और जनाधार अपडेट का 1 परिवाद था। इन सभी परिवाद आज तुरंत ही निस्तारित किए जाएंगे। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव 28 जनवरी को होंगे, ऐसे में प्रत्याशी गुरुवार को अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर नर्सिंग कर्मियों से मिले। जिलाध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि उनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। वहीं 28 जनवरी को राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के चुनाव होंगे और 15 तारीख तक सदस्यता अभियान चलेगा। हमारे राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जो एक बहुप्रतीक्षित चुनाव हैं और 2 साल में मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए चुनाव की मैंने घोषणा कर दी है और 28 जनवरी को चुनाव है और इसके 15 तारीख तक सदस्यता अभियान है। इसके सदस्यता अभियान को लेकर के हमारे प्रत्याशी के पक्ष में, विवेक नंदन जी के पक्ष में मतदान के लिए ये पूरे आम नर्सेज से, ग्रामीण मतदाताओं से अपील की जा रही है और उनसे जनसंपर्क किया जा रहा है और इस मुहिम में हम आज अकबरपुर और हमारे थानागाजी ब्लॉक का दौरा है, इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। 28 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं, इसी के उपलक्ष्य में ये हमारे ग्रामीण भाई बहनों से जो पीएससी सीएससी उसमें हम संपर्क कर रहे हैं जिससे कि तादाद में लोग पधारे और वोटिंग करें। सिलिसेट झील से निकलने वाली नहर से रबी की फसल की सिंचाई होती है। प्रशासन द्वारा इस बार भी अपर और लोअर दोनों नहरें खोलकर पानी दिया जा रहा है, लेकिन उमरैन होकर गुजरने वाली लोअर नहर में गंदगी के चलते पानी के बहने में बाधा आती है, साथ ही नहर कई जगह से जर्जर भी है। उमरैन पीएनबी के समीप इसी वजह से नहर ओवरफ्लो हो रही है। यहाँ मौजूद बैंक गार्ड का कहना था कि नहर के पानी के कारण भवन को नुकसान की आशंका बनी रहती है, यदि सिंचाई विभाग इस नहर को दुरुस्त करवा दे तो पानी व्यर्थ बहने से बच सकता है। ये बैंक के पीछे जो दीवार नहर है उसमें से पानी उजल के जाता है, जो बैंक के पीछे से काफी तेज रफ्तार से निकलता है और जगह जगह से फूट रही है। अच्छा, अपनी बिल्डिंग है, अपने जो बैंक की भवन है बैंक के पीछे जो दीवार है तो नहर की क्या परेशानी होती है, क्या नुकसान उसे पानी से काफी बैंक में पानी मर रहा है और भवन को जर्जर होने का डर है। बैंक का नीचे धस जाएगी नहीं तो पानी। अच्छा, मालाखेड़ा के नव नियुक्त उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गुरुवार को उन्होंने जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान लंबित प्रकरणों को 7 दिन में निपटाने के निर्देश दिए गए। अनेक परिवादियों की समस्याओं का मौके पर समाधान भी हुआ। एसडीएम ने लापरवाह कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन राज्य सरकार की जैसी भावना है, लोक भावना है कि सरकार संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदायी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और महीने के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन पिछली बार किया गया था, इस बार उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन था जिसकी मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से, स्टेट लेवल से, सीएमओ से की गई थी। मैं सुबह 11 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी सभी विभागों के बैठे हैं, जो भी परवादी आ रहा है उनको सुना जा रहा है, जिन समस्याओं का मौके पर निदान हो सकता है मौके पर निर्देश दिए जा रहे हैं संबंधित अधिकारियों को, साथ में ही जिनमें समय लगने की संभावना है उनसे लिखित में प्रार्थना पत्र लिए जा रहे हैं, प्राप्ति रसीदी दी जा रही है परवाद की और इनको सीएमएल प्लान है 181 उस पर दर्ज किया जाएगा जिसमें निर्धारित अवधि में संबंध भावों को और परवादों का निस्तारण करना होगा। साथ में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों का आयोजन हो रहा है उपखंड मालाखेड़ा में, मैंने कल ज्वाइन किया है यहाँ, जैसे मेरी जानकारी में आया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर संपन्न हो चुके हैं, फॉलो अप शिविर लगाए जा रहे हैं। चार्ज लेने के बाद में कल ही जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनका 9:15 बजे मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मालाखेड़ा उपखंड की जिन जिन क्षेत्रों में प्रगति कम थी उनमें इम्प्रूव करने के लिए मुझे निर्देश दिए थे। उसी उपलक्ष्य में जनसुनवाई के साथ साथ ही मैंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक भी आज आयोजित की है जिसमें इन अधिकारियों से मैं चर्चा कर रहा हूँ किन किन विभागों की क्या क्या कमी है जिनको फॉलोअप के रूप में सुधारा जाना है। कल मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी की ब्लॉक अध्यक्ष है, उनके फोन आए थे कि शिविर जो फॉलो अप शिविर है वो खाना पूर्ति शो हो रहे हैं, कर्मचारी नहीं पहुंच रहे या लोगों के काम नहीं हो रहे, तो मैंने उस संबंध में जिला स्तर से उज्ज्वला योजना की प्रॉब्लम थी, उज्ज्वला योजना के लिए मैंने EI हैं उनको बुलाया है, गैस एजेंसी वाले हैं उनको ग्राम पंचायतों में भेजेंगे और EKYC का काम है और BPL है, अंत्योदय है और NFSA के जो लाभार्थी हैं जिनका जिनके पास किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है उनको उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करा करके 450 रुपये में सरेंडर देना राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसका निर्वहन हमारे द्वारा उपखंड प्रशासन के द्वारा किया जाएगा।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बानसूर की ग्राम पंचायत लेकड़ी और चतरपुरा में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत का ग्रामीणों ने स्वागत किया। विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर आम जन में जागरूकता लाने का संदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर चतरपुरा सीनियर स्कूल का पीएम श्री योजना में चयन होने पर उद्घाटन किया गया। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, नीमूचाणा मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, एडवोकेट नवीन यादव, अशोक भरगढ़, योगेश सोनी और राम प्रताप स्वामी आदि उपस्थित रहे। भजन लाल जी की सरकार ने 450 रुपए में आप लोगों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। उज्ज्वला में जो बचे हुए लोग हैं उन्हें सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ये लाभार्थी सम्मेलन है और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि जो लोग अभी इन सुविधाओं से वंचित रहे और पात्र हैं वो इन योजनाओं से जुड़े और इनका लाभ लें। ये बात अलग है कि गांवों में जो समस्याएं क्रमिक रूप से बनी रहती हैं, उन समस्याओं का भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि त्वरितता से उनका निराकरण करें और कोई भी कार्य लाल फीताशाही के कारण लंबित नहीं रहना चाहिए। और वहीं बानसूर के पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीरता बरते। बैठक में सरपंच कृष्ण कुमार स्वामी ने बिजली कनेक्शन देने के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया। वहीं सरपंच मुकेश जलेवा ने रामपुर बस स्टैंड पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। साथ ही पंचायत समिति सदस्य राम मित्तल का कहना था कि हरसोरा में मैट द्वारा मजदूरों की गलत हाजिरी लगाई जाती है। वहीं इस मौके पर उप प्रधान गणेश सैनी, उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, विद्युत अधिशासी अभियंता राजीव वीराना एवं एएन सियाराम गुजर, सीबीओ राजेंद्र मीणा और विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा आदि मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को आपस में सामंजस्य करके जनता का कार्य त्वरितता से उसका निपटान हो, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से पूरी ये हमारी प्रशासनिक इकाई है ये तेजी से कार्य करे इसके लिए कहा गया है। म्यूटेशन, बंटवारे वगैरह रास्ते जो खोलने, इनमें अनावश्यक टाइम कहीं नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक टाइम लगने के कारण वाद विवाद ज्यादा होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बने, रेवेन्यू वाले काम अपना सही करें, जनता विभाग वाले इनको कहा गया है कि मोटर वगैरह एक्स्ट्रा रखें ताकि कहीं पंप खराब हो। और कई जगह ये भी देखा गया है कि लाइट आती है तो पानी की कई बार पानी और लाइट का समय अलग अलग हो जाता है, तो वो समय बना रहे जहाँ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है वहाँ पानी की सुचारू व्यवस्था हो। ये एक फर्म ब्लैकलिस्टेड होने के कारण यहाँ कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, इसका यहाँ के अधिकारी रिपोर्ट बना के देंगे कि कितना कार्य पेंडिंग है, उसके बाद में उसके रिटेंडर होंगे और फिर वो कार्य होगा। तो ये कार्य इस यहाँ के स्तर का जल्दी होगा तो ऊपर से वापस नए टेंडर होने में जल्दी रहेगी और कार्य पूर्ण हो पाएंगे, लोगों को पानी का लाभ मिल पाएगा। नगर तहसील के ग्राम मुंडेरा के निवासियों ने सड़क के घटिया निर्माण को लेकर जांच करने की मांग दोहराई है। इस सड़क को फिर से बनाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। इसके अलावा ग्रामीणों ने भरतपुर पहुंचकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कहा कि समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। उनका कहना था कि मिलीभगत के चलते बनी घटिया सड़क 20 दिन में ही खराब हो चुकी है। तेज सर्दी में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। ये साहब हमारी सड़क डर रही मुड़राते और गारोली तक देशवान नंग रहा के। अच्छा साहब, तो वो एक तो बामे काम ही ना करो ढंग से, रेत माटी बात फेंक गो और कछु हमारे नंग रामत बीच बीच गांव मत सड़क छोड़ रहा के या रह रही है। ये साहब का हम सड़क हमारी पूरी होनी चाहिए और बढ़िया दोबारा कर दिया, सभी सड़क दोबारा सही करवा देंगे जब हटेंगे साहब, मेहनत है। और अधिकारियों से भी निवेदन है और नेता गणों से भी निवेदन है कि हमारी सड़क है बढ़िया से बढ़िया बना दी जाए, घटिया सामग्री लगी हुई है इसमें और मुड़ेरा से गारल तक जिसवा नगर तक जाती हुई सड़क है, ये बढ़िया बननी चाहिए, नहीं ये जनता नहीं हटेगी हड़ताल पर। गारौली से मुड़ेरा तक बाया नगर नगरा देशवार सड़क बनाई जा रही है, उसको साथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ठेकेदार के थ्रू, लेकिन उसमें ना तो मात्रात्मक दृष्टि से वो सही है न गुणात्मक दृष्टि से सही है। हम 3 जनवरी को कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें गए
राज्य मंत्री जी आए, गृह राज्य मंत्री जी जवाहर सिंह जी बेडम, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। ग्राम मोढ़ेरा से देसवार नगरा के सभी जो कई दिनों से धरना दे रहे हैं हमारे ग्रामवासी, वो जो वहाँ एक सड़क बनाई गई है 7 किलोमीटर लंबी, उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी जो है और उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए मेटेरियल की, उसकी जांच के लिए आए हुए हैं। ये विभिन्न जगह शिकायत कर चुके हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है, इसलिए इन्होंने आज संभागीय मुख्यालय पर आकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और मांग की गई है कि उस सड़क की जांच की जाए और आने वाले समय में उसकी जांच करके क्वालिटी की और जो सड़क की नॉर्म्स है वहां पे थिकनेस होनी चाहिए मटेरियल की वो बनाई जाए, क्योंकि वहां के ठेकेदार और जो सड़क निर्माण कर रहे जो अधिकारी जिसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, इसमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए कोई भी भ्रष्टाचार होगा उसको लेके जो भी आएगा उसके साथ हम सब कार्यकर्ता हैं और आज हम यहाँ आए हैं और हम मांग करते हैं कि 2-3 दिन के अंदर इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करें। ग्राम बुर्जा में पौष अमावस के उपलक्ष्य में पौष बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। इस दौरान भगवान को भोग लगाया गया और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सरपंच सुमन बने सिंह, हरवीर रावत, हितेश रावत, पूर्ण भगत और बिहारी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। हर साल पौष माह में पौष बड़े का आयोजन किया जाता है। श्री राम भगवान की वजह से किया गया, आज बड़ी अमावस्या है, पूरे ग्रामीणों ने मिलके श्रद्धा के साथ पौष बड़ा बनाया गया है, सर्दी में सबको प्रसाद खिलाया जा रहा है। आज ग्राम पूजा में पौष अमावस के उपलक्ष्य में पौष बड़े का आयोजन किया गया है और अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में भी आयोजन किया जा रहा है और यहीं गांव में श्री महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पौष पड़े का और दिन प्रतिदिन रोजाना मंदिरों में सत्संग कीर्तन भजन आदि होते रहते हैं। हर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है और 22 तारीख को गांव में रैली निकाल कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और वहीं ग्राम बुर्जा में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक महेश चंद्र व्यास ने गुरुवार को 5वें दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कथा से मिलने वाली सीख को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने शिवजी का ब्यावला गाया, साथ ही श्रृंगार सामग्री अर्पित की गई। इस दौरान रेखा, पायल, बबीता, नीलम, सीमा, लक्ष्मी, भावना सैनी और अंजू राजपूत आदि महिलाओं की मौजूदगी रही। महाराज जी भोले बाबा ने पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, सती मैया को अपना शरीर त्याग दिया तो प्रसन्न कर लिया था कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा, दिगंबर हो गए, तपस्या में लीन रहने लगे, लेकिन देवताओं ने कामदेव को भेजा। कोई तरह भोले बाबा का काम जादू तो होगा, ये विवाह करेंगे, इनका ही पुत्र होगा, तारकासुर को वध करेगा। लेकिन भोले बाबा को काफी समय हो गया तो भोले बाबा को जैसी काम थोड़ी तपस्या से जागृत हुई तो एक बिंद की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। तो महाराज गुणसेन भौम नाम का एक बालक प्रकट हुआ। कठुमर पंचायत समिति परिसर में विधायक रमेश खींची ने ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान आए अनेक प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं भेड़ बकरी चराने वाले 76 वर्षीय मानक बघेल ने स्वयं का एवं अपने दिव्यांग पुत्र का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की मांग की। इस पर विधायक खींची ने आश्चर्य जताया कि इनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पेंशन, खाद्य सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वे वंचित होंगे। उधर जन सुनवाई में मसारी और कठुमर में जल जीवन मिशन की सप्लाई शुरू कराने, टीकरी में सीसी रोड के साथ नाली बनाने आदि के मुद्दे भी उठे। वहीं विधायक ने समाधान को लेकर निर्देश दिए। यहां प्रधान संगम चौधरी, एसडीएम सुनील झिंगोनिया, तहसीलदार आरके यादव, विकास अधिकारी शशि बाला, चेयरमैन शेर सिंह मीना, सुनील बजाज और गोपेश भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। सबको अधिकार है कि अपनी बात को, अपने काम को समूह बनाकर, अपना संकल्प बनाकर, आपस में वाजिब नियम कानून के अंतर्गत जो आदमी हो और जो कोर्ट में कहीं किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, कोई किसी तरह का कोई स्टे नहीं हो, ऐसी चीजों को आप समय समय पर लाकर, मैं समझता हूँ प्रत्येक नाग हर गुरुवार को आप मतलब ये इसमें भाग लेकर सभी अधिकारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों को
और एसडीएम साहब के नाम एड्रेस करते हुए इस पत्र को लिखते हुए उसका समाधान कराने का काम समय समय पर करें। बड़ौदा में कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में खेल सप्ताह के तहत गुरुवार को कबड्डी प्रतियोगिता हुई, साथ ही रस्साकशी का भी आयोजन किया गया। कबड्डी में स्नातक भाग प्रथम की छात्राएं प्रथम रही। प्रतियोगिता के दौरान कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. चिरंजी लाल रैगर, सहायक आचार्य डॉ. रेणु शर्मा और अजीज आदि उपस्थित रहे। और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। किशनगढ़ पास बाईपास स्थित कार्यालय पर विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक खैरिया ने सभी कार्यकर्ताओं से लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलने की अपील की। वहीं इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, पूर्व सरपंच विश्राम गुजर, सरपंच फूल सिंह चौधरी, प्रकाश चंद, धीर सिंह और किशन चंद आदि की उपस्थिति रही। खैरथल तिजारा के जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करने को लेकर सचेत किया है। कलेक्टर के अनुसार पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का उपयोग पक्षियों एवं मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने 31 जनवरी की मध्य रात्रि तक सभी प्रकार की पतंगबाजी पर सुबह 6 से 8 एवं शाम 5 से 7 तक पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। तिजारा के ग्राम ईश्रोदा में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। संयोजक देशपाल यादव ने बताया कि किशनलाल यादव की पुण्यतिथि पर रिलैक्सो फाउंडेशन एवं डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के सहयोग से कैंप आयोजित हुआ। यहां प्रोजेक्ट नयन के अंतर्गत 22 रोगियों का निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन हुआ। वहीं 153 की नेत्र जांच की गई। भाजपा नेता राजू यादव इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तुषार एवं डॉक्टर बोविंद्र सिंह ने शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान की। वहीं इस अवसर पर ओम प्रकाश यादव, अर्जुन सिंह, सुबे सिंह, नरेश कुमार और जगतपाल यादव आदि उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा में 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर लगेगा। 17 से 19 जनवरी तक इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें, बैसाखी, व्हील चेयर, कृत्रिम पैर, कैलिपर्स आदि निःशुल्क दिए जाएंगे। यह शिविर श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अलवर शहर के मेहताब सिंह का नोहरा के समीप स्कीम 1 में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। पौष मास के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालु पुल्ली सैनी ने बताया कि हर वर्ष की तरह यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें पप्पू सैनी और रमेश सैनी का सहयोग रहा। बहरोड विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव काठुवास और हुडिया कला गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार चलने पर देश की प्रगति को गति मिलना तय है। इस मौके पर एसडीएम पंकज कुमार, तहसीलदार, सरपंच योगेश, भाजपा नेता कमल यादव, राव सुमित यादव, एसएचओ हनुमान यादव और पार्षद रूपेश आदि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष में सरस्वती सभागार में युवा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मत्स्य युवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संयोजक गर्व चौधरी रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद एनसी शर्मा और मुख्य वक्ता नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सतीश यादव रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा नेता भविक जोशी ने की। वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों से सीखना चाहिए। वहीं इस दौरान विषय प्रवर्तन भाजपा एससी मोर्चा अध्यक्ष सीताराम किराड ने किया। इस मौके पर श्रेष्ठ कार्य के लिए अनेक लोगों का सम्मान भी हुआ। अलवर शहर में स्कीम 8 स्थित श्याम बाबा के मंदिर में पौष बड़ा और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्थानीय निवासी अशोक गुप्ता ने बताया कि इस दौरान महिला श्रद्धालुओं ने भजन प्रस्तुत किए, साथ ही सभी को प्रसाद वितरित किया गया। ये कार्यक्रम हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। बहुत बड़े का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया जाता है। सारी औरतें यहाँ मिलकर के अच्छा सा भजन संध्या का कार्यक्रम करती है। करीब 12:30 बजे चालू हो जाता है, 4 बजे तक चलता है और कई सालों से बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
फर्जी डॉक्टर बनकर घर में घुसे शातिर ने लूटे वृद्धा के जेवर, मुल्तान नगर में सामने आई घटना। कतर के होटल मैनेजर की किथूर में सड़क हादसे में गई जान, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। शराबी चाचा द्वारा भतीजे से मारपीट के बाद भिड़े दो गुट, ग्राम मुरेडा का बास में तीन हुए घायल। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को किया याद, पुण्यतिथि पर सुभाष चौक कांग्रेस कार्यालय में हुई विचार गोष्ठी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही, ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभु दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जी प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जी प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर, यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटीघाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।